हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और राम मैकेनिकल मैन में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर गराड़ी टूट जावे, रोल टूट जावे, उसको किस तरह से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। मैं जोड़ लगा के बताऊँगा कैसे लगाया जाता है जोड़। ठीक है दोस्तों, अब हम गराड़ी देखो बात लिए, इसको हम सीधा कर देते हैं। सीधा भी करने का तरीका है, दो तरह से सीधा किया जाता है। दो एक दूरबीन के साइड में सीधा किया जाता है, एक दूसरे साइड में सीधा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको पहले अभी रफ रफ सीधा कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर स्विच लाग लगा के सीधा करेंगे। देखिए, ये दूरबीन है, इसको दूरबीन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हों आप लोग, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और भी कोई जानकारी हो ऐसे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिए। देखिए, ये दूरबीन हमने इसको अभी ढीला टाइट कर रहे हैं, ये जो गरारी है उसको ऊपर उठाना है। देखिए, इसके हम पीछे साइड में, जो सेंटर के साइड में हम ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगा के सेंटर बनता है, क्योंकि ये बराबर है ही नहीं, इसीलिए सेंटर हम इसी तरह से पता लगेगा कि सही गरारी है कि नहीं है, सही घूम रहा कि नहीं। अगर नहीं सही सेंटर होगा, नहीं गरारी बराबर होगा, तो ये धीरे धीरे करके निकल के गिर सकता है। इसीलिए उसको ग्रीस लगा के उसको सीधा किया जाता है, दूरबीन को। ठीक है, इस प्रकार से अगर दूरबीन सीधा करना चाहते हैं, इस प्रकार से सीधा होगा दूरबीन वाला जो साइड। अब हम चक्कर साइड सीधा करेंगे। ठीक है, हम सुई बुला ला कर चक्के साइड, देखिए सीधा हो गया। अब इस तरफ से कैसे पता लगेगा, देखिए हम बता दिखा रहे हैं। देखिए, सेंटर इसी तरह से लगेगा, सीधा हो गया है इस तरफ से। ठीक है, ऐसे वही जो बोल्ट है दूरबीन के नीचे वाला, उसी बोल्ट को टाइट करें, ढीला करें, उसी से अपना ये जो इधर का साइड होता है सीधा हो जाता है। अब इसको हम फिनिशिंग करेंगे, काटेंगे। कितना काटेंगे, जितना काटिएगा उतना ही हम बताता हूँ आपको। देखिए, उतना काटने जितना हमें जोड़ना है, जितना हमें ग्रूव साइज निकल सके उतना ही काटना। उससे ज़्यादा काट दोगे फिर आपको जो जोड़ने वाला साइज है वो आपको लंबा जोड़ना पड़ेगा। जितना आप माल हो सके उतना ही निकालें जो हमारा ग्रूव साइज निकल सके। देखिए, हम यहाँ तक कट लगाएंगे थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि ये जो एक ग्रूव पे जो था वही भर टूटा है, बाकी और सब से बचा हुआ था। ठीक है, देखिए ज़्यादा हमने आगे नहीं बढ़ाया इसको, बस थोड़ा सा सीधा करके बस रह उतार हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखें तभी आपको समझ में आए। देखिए, हमने इसको फिनिशिंग कर दिया, काट दिया। अब हम इसमें बर्मा ड्रिल लगा के अब इसको हम बोर खोल देंगे। कितना हमें बोर खोलना है, 2 इंची 1.5 इंची 2 इंची, मतलब आप जितना हो सकते खोल सकते हैं कि जो फिटिंग हो जाए। देखिए, ये रोल टूटा हुआ रोल था, इसको हम अब उसी में जोड़ेंगे। इसमें 2-3 टुकड़े बनेंगे, 2 गराड़ी टूटा हुआ है, हम दोनों को जोड़ेंगे, इसी में से निकल जाएगा। एक रोल भी है उसका भी टुकड़ा इसमें से करेंगे, इसीलिए 3 टुकड़ा हम इसमें से करेंगे। इसको हम किस तरह से फॉल्डिंग करेंगे, किस तरह से कट लगाएंगे, इसके बारे में सारा मैं जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग लास्ट देखें, और भी कोई जानकारी हो तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उससे हमसे आपसे बात हो सकता है। और आपको हमें इस तरह के वीडियो हमेशा डालता रहूँगा, ऐसे मैकेनिकल के बारे में, नए नए तरीके, नए नए जोग, नए नए जुगाड़, ऐसे ऐसे जुगाड़ आपको बताता रहूँगा, फार्मूले देता रहूँगा इस ऐसे ऐसे वीडियो बना बना करके, कि आप लोगों को भविष्य में काम आने वाला, कि आप लोग कभी भी वीडियो देखेंगे, कभी भी फार्मूले बरतेंगे तो फार्मूला सही ही निकलेगा आपको, जो हम बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। देखिए, अब इसको हम एक तरफ से कट लगा दिया, अब दूसरी तरफ से हमने कट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि डया मोटा था, इसको हम पतला करना है। ठीक है, देखिए अभी दूसरा कट हमारा जा रहा है। इस तरह से इसको कटिंग कर करके फिर उसके बाद हम पीस बनाएंगे। पीस किस तरह से पार्टी करेंगे, कितना कितना के पीस रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में सारा मैं जानकारी दूंगा। देखिए, अब एक तरफ का मतलब आधा हो चुका लगभग। ठीक है, इस तरह के हमने कट लगाया है। दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग आधा काट के छोड़ देते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हमने किस तरह से कैसे किया है, कहाँ पर क्या बात हमने बोल दिया, क्या हमने फार्मूला दे दिया आपको, फिर समझ में नहीं आएगा। हमारा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ आए। देखिए, ये डिग्री है, ये डिग्री चैप्टर बोलते हैं, इसके कितने डिग्री में काटा हूँ उस बारे बता रहा हूँ। देखो, जितने डिग्री में काटा है, देखिए 40 डिग्री में कटा हुआ है, सॉरी 80 डिग्री में कटा है, 80 डिग्री का ये है।
ठीक है। अब 80 डिग्री में हम जो दूसरा वाला पार्ट्स है उसको भी 80 डिग्री हम काटेंगे। देखिए दो दो गरारी टूटा हुआ है, एक दूसरे साइड का है, इसको हम इसमें पहले हम जोड़ेंगे, दूसरे वाले में नहीं जोड़ेंगे। देखिए दोनों गरारी टूटा हुआ है, ये इसका है। देखिए 80 डिग्री की आप सेम मिला लीजिए, ठीक है। अगर 80 डिग्री में आप नहीं मिलाएंगे तो जो ये हमारा जो पार्ट्स है ये जो छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा लंबाई फिर दोबारा जब वेल्डिंग हो जाएगा तो आपको काटना पड़ेगा या घट जाएगा, फिर आप नहीं बात बनेगा। इसीलिए इसको जितना डिग्री दूसरा रहे करे उतने डिग्री में इसको काटिए आप, ठीक है। अब हमने इसको डिग्री मिला दिया, अब देखिए डिग्री पूरा जा रहा है। डिग्री एक बारी में नहीं सेटिंग होता है, थोड़ा सा दो बारी में आपको सेट करना पड़ता है, या तीन बारी भी लग सकता है। देखिए अभी डिग्री पूरा पूरा 0-0 सीधा हो चुका, अब इतना हम फिनिशिंग कर देना है। अब इसी में से फिनिशिंग करके इसी में से हम गुल्ली को बना देना है, जो गुल्ली जिसमें उसमें ठोकेंगे सराख में। देखिए अभी जा रहा पूरा डिग्री में, अपना 80 डिग्री में हो चुका है। इस प्रकार के देखिए, अब हम जो ग्रुप साइज है जिसमें हम ग्रुप निकालेंगे, एक ग्रुप निकालेंगे वो साइज हमने कट लगा दिया। उसके बाद जब ये साइज बनेगा इसको हम पार्टी करेंगे। पार्टी किस तरह से करेंगे हम आपको भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए अभी 6.5 इंची का ये ग्रुप साइज है, जो हमें ग्रुप जो टूटा हुआ है 6.5 इंची का था। हम ग्रुप का भी फार्मूला आपको दूंगा किस तरह से ग्रुप निकाला जाता है। हमारा वीडियो अगर आप लोग दूसरा देखेंगे उसमें बताया हूँ कि ग्रुप किस तरह से निकाला जाता है, फार्मूले उसमें भी है बताया हूँ कि फार्मूले किस तरह से निकालते हैं। अगर तीन ग्रुप निकालना हो आपको, चार ग्रुप निकालना हो तो भी हम तीन ग्रुप के फार्मूले बताए हैं आपको, बाकी चार ग्रुप वाला फार्मूले बताऊँगा दूसरा जब हम रोल बांधेंगे उसमें, हम चार ग्रुप वाला बताएँगे। देखिए पहले हम आपको ये बता रहे हैं, हमारा बैक वीडियो देख सकते हैं आप, हम उसमें बताता रहूँगा फार्मूले बताया भी है अभी कि हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी देखिए, पार्टी टूल भी बनाया हुआ है, ये जितना मर्जी आप रहा करें, नरम से नरम, हार्ड से हार्ड से लोहा ये काट सकता है। इसमें पार्टी टूल जो है, ये जो पार्टी टूल हमने बनाया है इसका भी वीडियो हम डाला हूँ, बैक वीडियो हमारा देख सकते हैं। ये जो आगे है वो बिट हमने चढ़ाया है, किस तरह से उसको हम फिनिशिंग किया बनाया था उसके बारे में हम हमारा देख सकते हैं वीडियो। देखिए अब देखिए इसको हम पार्टी कर दे रहे हैं। देखिए तो 8 इंची 10 इंची का ये पार्टी कर सकता है आराम से, चाहे आप इसको रोल ही पार्टी कर दो फिर भी कर सकता है। देखिए इस तरह से काटते जाता है, ऐसे इस तरह से ये सीधे अपना पार्टी करते हैं। जितने हमें ज़रूरत है पोर्स का उतना ये पूरा, हमें जितना चाहिए उतना हम बैलर पूरा करके उतना हम पार्टी कर देते हैं। देखिए अब ये 6.5 इंची है और इसका लंबाई है 6 इंची, लंबाई एक जो ग्रुप साइज है वो 6 इंची है, ऊपर का डाया 6.5 इंची है। इस तरह से हमने पाल्टी कर दिया इसको, 6.5 इंची का डाया, 6 इंची लंबाई, इसको एक दूसरा ग्रुप साइज हमने बना दिया, पहला ग्रुप साइज। अब हम दूसरा ग्रुप साइज जो ये दो सिलेटी के निशान लगा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। इसमें तीन एक रोल टूटा हुआ है, दो गरारे टूटा हुआ है, उसका हम तीनों का जोड़ इसी में बना देंगे। और भी कोई ऐसे आप लोग भी बनाना जोड़ लगाना चाहते तो जो 9 का माल होता है वही जोड़ लग सकता है, और दूसरा रोल अगर 42 का एडा मैड चिल्ड अगर लगाना चाहे तो उसमें जोड़ नहीं लगता है उसको, आप जो अगर जोड़ना हो तो आप गर्म करके चढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए नहीं उसमें लगा सकते हैं ऐसे। इसको वेल्डिंग करेंगे तब हमें ये जो 9 का माल होता है MS जिसको बोलते हैं वही वाला ये रोल है, इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं, दूसरा रोल को हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें वेल्डिंग नहीं रुकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी जोड़ लगा सकते हैं, रोल का भी जोड़ हो गया, गरारे का जोड़ हो गया, किसी सापट का जोड़ हो गया, ऐसे ऐसे कई आप जोड़ लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लगाइएगा, ऐसे बनाइएगा। और हम आपको अभी ठोक के बताऊँगा कितना टाइट हम ठोकना है उसको, कैसे सही नापने पे सही आ रहा कि नहीं आ रहा, किस प्रकार से हम नापें कैसे नापें, हम आपको सारा जानकारी देता दूंगा इसी वीडियो में दूंगा। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, ठीक है। हम देखिए दूसरा हम पार्टी कर रहे हैं, जो दूसरा साइज है 6.5 इंची का भी, इसको हम 8 इंची दूसरा दूसरे का लगेगा, ये 8 इंची लंबाई है इसका, ठीक है। अब इसको हम देखिए इसको भी पार्टी कर दिया, हमने
दो पोर्ट हो गए। अब तीसरा पोर्ट को हमने लगा दिया कट, तो तीसरा भी हमने यहाँ पे पार्टी करते रहा हूँ। देखिए इतना भी पार्टी का इसके हुआ, हम इसको तोड़ के फिर चढ़ा के हम देखेंगे। देखिए यहाँ भी जो हम डिग्री वही मिलाए थे 80 डिग्री का, देखिए जो डिग्री चैप्टर था 80 डिग्री का, अब यहाँ भी हम वही लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ऐसे, अब देखिए इसको ऐसे तोड़िए, अगर सामने से तोड़ेंगे फिर नहीं टूटेगा, क्यों सीधे से मारिएगा तभी टूटेगा। देखिए इस प्रकार से देखिए अलग हो गया है टूट के। अब इसको हम जो ये गरारी का है, इसको हम गरारी को अब निकाल, बायरिंग को निकाल देते हैं, क्योंकि बायरिंग टूटा हुआ है। अगर हम जब वेल्डिंग करते हैं कोई भी गरारी का वेल्डिंग करते हैं तो बायरिंग निकाला जाता है, अगर बायरिंग हम नहीं निकालेंगे तो फिर जो हम गरम करके फिर इसको वेल्डिंग करेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए हम सिरे पे जो है इसको हम कटर से कटवा दिए थे, सेंटर के तरफ कटा था, हम इसको आगे से ग्राइंडर लगा के अब इसको फिर चढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा आगे गोलाई मार दिया ग्राइंडर से कि जो आगे सिरा है आराम से उसमें फंस जाए, उसके बाद हम इसे से ठोक देंगे। देखिए इस प्रकार से देखिए हम सीधा करके अभी हम नाप के भी दिखाएंगे पूरा हो रहा कि नहीं। देखिए इतना टाइट हो के अब अगर इसको ढीला रख देते हैं फिर आउट हो जाता है, अगर ज़्यादा इसको टाइट रखेंगे तो गुल्ली टूटने का डर है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आराम आराम से चोट लगाएं। इसका गुल्ली थोड़ा मोटा है, इसमें टूटने का डर नहीं है, जो गुल्ली पतला होता है वो फिर टूट सकता है, आप उसको आराम से ठोकिए। गुल्ली थोड़ा सा मोटा ही रखिए, कटो कट 1.5 इंची के से कम नहीं हो। देखिए अब इसको हम नाप रहे हैं, अभी साइज पूरा पूरा निकल गया जितना हमको चाहिए था, अब उतना लंबाई हमने पूरा कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ लगा सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। बाय।